So hello everyone, hope you all are doing good. So now we are here with the last quick revision of unit 3. ठीक है जी, unit 1 की हम revise कर चुके हैं, unit 2 की हमने revision कर ली है और unit 4th भी हमने revise कर ली है. ये unit 3 रहती थी जो हमने revise करनी थी, वो अब हम revise करेंगे और इसके साथ हमारे सारे syllabus की जो भी revision है वो complete हो जाएगी. और परसों हमारा exam है as you very well know. ठीक है, तो कल आपके लिए मैं 2 marks के question और फिर से हम एक बार इसको रिवाइज करेंगे. जो छोटे छोटे मेन मेन पॉइंट्स हैं आपको एग्जाम के लिए याद करने हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो यूनिट 3 का ए पार्ट है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है? ये ऑटो इंस्ट्रक्शनल होता है. यहाँ पे अपना बच्चा जो है वो खुद लर्न करता है हर एक चीज़ को. ये एक इनोवेटिव 20th century टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है. इसमें जो स्टडी मटेरियल होता है ना, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चे को पढ़ाया जाता है. क्योंकि जो इसके फादर थे वो थे B.F. Skinner, उन्होंने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात कही थी और उन्होंने बोला कि जो सब्जेक्ट मैटर है ना, अगर बच्चे को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के पढ़ाया जाए तो वो बच्चे के दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहता है. B.F. Skinner ने ये बात बोली. ठीक है जी, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, क्या क्या. ये इनोवेटिव तरीका है एक सिखाने का, ठीक है, बहुत ही एफिशिएंट तरीका है, सिस्टमैटिक तरीका है. यहाँ पे बच्चा अपनी पेस पे स्टडी करता है, खुद रिस्पॉन्सिबल है अपनी स्टडी के लिए और यहाँ पे बच्चे को क्विक फीडबैक भी प्रोवाइड हो जाता है, राइट. तो प्रिंसिपल्स कौन से इसके? 5 principles हैं. ठीक है जी, जो आपने करेक्टरिस्टिक्स में लिखा उसको ही आप उठा के क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल में लिख सकते हो. सेल्फ पेस्ड प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, कि छोटे छोटे स्टेप्स में बच्चे को पढ़ाया जाएगा. प्रिंसिपल ऑफ एरर कंट्रोल, यहाँ पे बच्चे को अपनी गलतियाँ पता लगेंगी और आगे जाके एरर्स ना हो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा बच्चा. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, यहाँ पे फटाफट फीडबैक्स मिल जाते हैं. प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, यहाँ पे बच्चा एक्टिवली और फटाफट रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, स्टाइल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के 3 तरह के होते हैं, स्टाइल्स 3 होते हैं. एक होते लीनियर, एक होते ब्रांचिंग, एक होते कंप्यूटर असिस्टेड. वैसे तो होते तो कई तरह के हैं, मैथमेटिक्स भी होता है एक, ठीक है, वो भी कई लिख देते हैं. बट अगर आप कंप्यूटर असिस्टेड करना चाहो तो आप वो कर सकते हो. ठीक है, वहाँ पे कोई वो नहीं है कि आपने कंप्यूटर असिस्टेड क्यों लिखा या ऐसा कुछ नहीं है. कंप्यूटर असिस्टेड भी इसका ही एक हिस्सा है. ठीक है जी, लीनियर प्रोग्रामिंग. जो लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है, फ्रेम्स लीनियर मैनर में प्रोवाइड किए जाते हैं. ठीक है जी, आप सबको पता है ये 1 frame है, ये 2nd frame है उसके बाद. ठीक है जी, जब आप आपका क्वेश्चन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा तो आप नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट फ्रेम पे मूव ऑन कर जाओगे. ठीक है, यहाँ पे नीड टू रिस्पॉन्ड टू 1 frame करेक्टली बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट. एक फ्रेम जो है वो करेक्टली आपको आंसर करना पड़ेगा अगर आपने नेक्स्ट फ्रेम पे मूव करना है. कुछ प्रिंसिपल्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के, सॉरी ये बताना मैं आपको भूल गई कि जो लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है वो किसने दिया था कंसेप्ट? B.F. Skinner ने दिया था. ठीक है, ये याद रखना, B.F. Skinner ने. और जो ब्रांचिंग का कंसेप्ट था वो नॉर्मन क्रॉडर ने दिया था. ठीक है, तो अभी प्रिंसिपल्स पे आते हैं कि जो लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं. सबसे पहला प्रिंसिपल है सेल्फ पेसिंग, कि ये सेल्फ पेस जो होता है यहाँ पे बच्चों को खुद अपनी लर्निंग को कंट्रोल करने का एडवांटेज है. देन इवेल्युएशन, मतलब प्रॉपर इवेल्युएशन हो जाती है बच्चे की. कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन मतलब वहाँ पे बच्चे को पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ें उसकी गलत हैं और कौन सी चीज़ें उसको करेक्ट करनी है. नोइंग टू द मास्टरी की तरफ हम जाते हैं इसमें, जो बच्चे को पता होता है. ठीक है, फिर बच्चा क्या करता है, फ्रेम टू फ्रेम क्वेश्चन सॉल्व करता जाता है और उससे क्या होता है, बच्चा मास्टरी की तरफ चला जाता है. ठीक है, देन कम ब्रांचिंग. ब्रांचिंग नॉर्मल क्रॉडर ने दिया और जो ब्रांचिंग का कंसेप्ट है वो क्या होता है, जैसे ये फ्रेम्स हैं हमारे वो फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं, राइट. तो इसमें एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जैसे हम लीनियर में एक फ्रेम गलत हो गया तो हम नेक्स्ट पे नहीं जा सकते, बट ब्रांचिंग में ऐसा नहीं होता. ब्रांचिंग में क्या है, अगर आपका जैसे ये सब डिवाइडेड है, ठीक है, जैसे ये 1 frame है, ये 2nd frame है और ये सब डिवाइडेड है ABCD पार्ट में. अगर आपका ए पार्ट गलत है ना और बी सही है तो आपको बी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ए के लिए ही फीडबैक दिया जाएगा, उसका ही करेक्ट आंसर दिया जाएगा. ठीक है, फिर आपको सारा कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जो आपकी गलती है उसके बारे में बताया जाता है. ठीक है, ये ब्रांचिंग मैनर में होता है. On one incorrect response, you need not go through the whole process again. अगर एक गलत हो गया, जैसे ए वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया, मतलब ए वाला जो कंसेप्ट था उसमें जो एक क्वेश्चन था वो मेरा गड़बड़ हो गया,
तो उसके लिए मुझे रेमेडी प्रोवाइड की जाती है, बी सी डी के लिए नहीं की जाएगी। ठीक है जी, तीन प्रिंसिपल्स हैं इसके। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन, मतलब यहाँ पे एक्सपोजिशन सारा कंटेंट बच्चे को पढ़ाया जाता है, उसके सब पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मेन इसके जो है वो होता है एक टीचिंग और डायग्नोसिस, जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन में आता है। फिर सेकंड प्रिंसिपल है डायग्नोसिस, यहाँ पे बच्चे की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पता लग जाती हैं और फिर उसको रेमेडी प्रोवाइड की जाती है उसी हिसाब से। ठीक है, अगर उसका आंसर सही है तो वो नेक्स्ट होम पेज पे जाएगा, अगर उसका आंसर गलत है तो वो रॉन्ग पेज पे जाएगा। वहाँ पे उसको रीइंफोर्समेंट दी जाएगी, उसको बताया जाएगा कि उसका आंसर गलत क्यों है। ठीक है जी, तो वो होता है सारा ब्रांचिंग में। आई होप दिस इज क्लियर। अब कंप्यूटर असिस्टेड पे आते हैं, थर्ड टाइप कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बच्चे को पढ़ाया जाता है थ्रू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, लर्निंग इंजॉयबल हो जाती है, यहाँ पे भी बच्चा अपने पेस पे स्टडी करता है, यहाँ पे कोई टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और क्विक फीडबैक बच्चे को मिल जाता है। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड तो हम बाद में भी करेंगे, आपको पता है लास्ट में है हमारी फोर्थ यूनिट में, आपने किया ही था, आपको करवा दिया था मैंने कंप्यूटर असिस्टेड ई लर्निंग एम लर्निंग। अब आते हैं थ्योरेटिकल रैशनल पे। बहुत ही बच्चे कन्फ्यूज हैं थ्योरेटिकल रैशनल होता क्या है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज होने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि हमने प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है ना, उसके टाइप्स पढ़े, स्टाइल्स पढ़े। थ्योरेटिकल रैशनल क्या होता है, थ्योरेटिकल रैशनल होता है कि थिंकिंग उस चीज़ को लेके क्या है। तो जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे उन्होंने पता है क्या बोला कि जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। थिंक थ्योरेटिकल रेशनल होता है कि एक्चुअल में वो है क्या। ठीक है, मतलब थिंकिंग क्या है। रैशनल होता है थिंक आउट करना कि क्या एक्चुअल में यहाँ पे गलत रिस्पॉन्स दिए जाते हैं, करेक्ट रिस्पॉन्सेस दिए जाते हैं, मतलब बच्चे की साइकोलॉजी पर वो बेस्ड है। उसमें ये नहीं सोचना आप थ्योरेटिकल रैशनल टॉपिक आ गया मैं क्या लिखूँ, वहाँ पे सारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ही लिखना है। बस उसमें एक चीज़ लिखनी है जो मैं आपके लिए यहाँ लेके आई हूँ। ठीक है, द रैशनल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इज दैट रिकॉल इज मोर इफेक्टिव इन लर्निंग प्रोसेस देन रिकॉग्निशन। ठीक है, उन्होंने बोला जो फिलोसोफर्स थे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और उन्होंने बोला कि जो रिकॉल करना चीज़ को वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, इससे क्या है बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखता है। थ्योरेटिकल रैशनल मतलब थिंकिंग प्रोसेस बच्चे की चेंज होती है। आप इस कॉन्सेप्ट को लेके क्या बोलना चाहोगे। ठीक है, द एक्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग टेंड्स टू कॉज द लर्निंग, कि जैसा आप रिस्पॉन्ड करते हो वैसे वैसे आप लर्न करते जाते हो। ठीक है, द एक्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग टेंड टू कॉज अ लर्निंग, हैंस नो इनकरेक्ट रिस्पॉन्स शुड बी देयर एज दे इफेक्ट द लर्निंग एडवर्सली। कि ये किस लिए होते हैं। ठीक है, लीनियर हो गया, ब्रांच हो गया, कंप्यूटर असिस्टेड किसके लिए होते हैं, ताकि अगर बच्चा कोई गलत रिस्पॉन्स दे भी दे उसको करेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर वो इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज के साथ चलता रहा तो उसकी लर्निंग पर इफेक्ट होगा। एंड टू मैनी एरर्स वुड बी डिस्करेजिंग, हैंस स्मॉल स्टेप शुड बी देयर। कि मतलब किस तरह से उसको हमने बोला कि वो छोटे छोटे स्टेप्स में होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट ने ये बात बोली, जैसे बी एफ स्किनर फादर थे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के, तो उन्होंने बोला कि बच्चे को छोटे छोटे चंक्स में वो चीज़ प्रेजेंट करनी चाहिए। ठीक है, वो होता है थ्योरेटिकल रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, कि आपके क्या व्यूज़ हैं उस चीज़ को लेके, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, वो होती है थ्योरेटिकल रैशनल। ठीक है जी, नेक्स्ट कम्स द बी पार्ट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लीनियर प्रोग्राम। तो देखिए, ये मैं आपको डायरेक्ट 2 मार्क्स में करवाऊंगी, बिकॉज ना मैंने बड़े क्वेश्चंस में इसको करवाया, क्योंकि ये बहुत ही डीप प्रोसेस चला जाएगा। और ये तो जस्ट आपने अगर कंप्यूटिंग वगैरह करनी है, मतलब कंप्यूटर वगैरह सीखा हुआ, ठीक है, उस चीज़ में काम आता है, या बहुत ही आप मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट हो वहाँ पे जाके ये चीज़ें काम आती हैं। सो द थिंग इज़ आप इसको 2 मार्क्स में कर लो। ठीक है, बाकी 2 आपको मैंने ए पार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि 2 तो पार्ट है इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या करवा दिया आपको, सही से कर दिया, क्योंकि एक मीडिया करेंगे हम अच्छे से और दूसरा हमने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, इसको हम 2 मार्क्स में करेंगे, बिकॉज ये बहुत डीप चला जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, फिर आप बाकी कंसेप्ट में कन्फ्यूज़ हो जाओगे वहाँ पे। सो लीनियर प्रोग्राम का मेन एम क्या होता है, एम इज़ टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द न्यूमेरिकल वैल्यू। कि जैसे आप कोई भी
चीज़ करते हो, जैसे वेरिएबल्स आप ढूंढते हो, ठीक है, कोई भी दो वेरिएबल्स में आपने कनेक्शन ढूंढना है, उसको ग्राफ पे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करके उसकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा करना है अपने अकॉर्डिंग, वो होती है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, बहुत ही डीप कंसेप्ट है, द सिंपल थिंग इज़ दो मार्क्स में आएगा तो आपको पता होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, अगर आपने किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को कम या ज़्यादा करना है तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हो। उसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप वेरिएबल्स को डिफाइन करोगे, आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स हैं कौन से, फिर देन कंस्ट्रेंट्स मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप उसकी वैल्यू सेट कर दोगे, फिर आप ग्राफ बनाओगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जबकि एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और था, फिर आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे कि आपने कितनी वैल्यू इंक्रीज करनी है और कितनी डिक्रीज करनी है। ये 5 स्टेप आपको पता होना चाहिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे डेवलप होता है, राइट, सिंपल एज दैट। नाउ कम्स द मीडिया। अब मीडिया पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मीडिया। मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के लिए। मीडिया मतलब कम्युनिकेशन। दो तरह के मीडिया होते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया कौन कौन से होते हैं? बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो, इंटरनेट, टीवी एंड मोबाइल। करेक्टरिस्टिक्स, क्या अभी इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये अलग से आपके टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है जी, आ सकता है आपको 14 मार्क्स में कि करेक्टरिस्टिक्स बताओ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्या होते हैं। तो प्रिंट मीडिया का सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है टेंजिबिलिटी, कि हम इसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वाइड रीच, हर जगह अवेलेबल है इजीली। वर्सटाइल होता है, ठीक है जी, मतलब बहुत ही बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं वहाँ पे, बिग फॉन्ट्स होते हैं, वर्सटाइल होता है। एस्थेटिक अपील, देखने में अच्छा होता है, अच्छी डिज़ाइनिंग होती है। क्रेडिटेबिलिटी, ठीक है जी। देन परमानेंस, परमानेंस मतलब वहाँ पे चीज़ छपी रहती है और जब आप चाहो आप रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक पे आते हैं, जो चीज़ें बिजली से चलती हैं वो देखिए जी, ग्लोबल रीच, हर जगह अवेलेबल है। डिस्टेंस एजुकेशन लेनी है तो उसमें अवेलेबल है, असेसिबल है, इजीली अवेलेबल है। आजकल तो हर जगह टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बट इंटरेक्ट कर सकते हैं सारे एक दूसरे के साथ अच्छे से, इमीडिएसी, फटाफट हमें मतलब हर जगह अवेलेबल ही है, ठीक है। एंड मल्टीमीडिया कैपेसिटी, या हमें मल्टीमीडिया साउंड, एनिमेशंस, बहुत सारी स्लाइड्स वगैरह एक ही साथ हमें एक ही चीज़ में मिल जाती है, ठीक है। नाउ कम्स एडुसैट। एडुसैट क्या है? फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी ऑन 20th September 2006, ऑल्सो नोन एज GS-83, ठीक है जी। यूजेस क्या है इसके? इंटरेक्शन के लिए काम आती है ये, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर करनी, मतलब कोई भी चीज़ जो इंटरनेट से रिलेटेड है ना, वो एडुसैट से रिलेटेड है। मतलब एजुकेशन के पर्पस में कैसे ये सैटेलाइट काम आती है? इजी कंटेंट्स, टेलीफोन्स ब्रॉडकास्ट, टीवी ब्रॉडकास्ट, रेडियो ब्रॉडकास्ट, सब में यूजेस है इसके, ठीक है। मेन एम एक्चुअल में क्या है इसके? दो हैं, सपोर्ट हाई लेवल एजुकेशन, ठीक है जी। सेकेंड, मीट द डिमांड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, जो लोग मतलब बहुत दूर रहते हैं, एजुकेशन नहीं ले पाते, ठीक है जी, उस जगह पे जाके एक्चुअल में, तो वो ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं, उसमें एडुसैट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इंटरैक्टिव है, ठीक है, ईजी कंटेंट अवेलेबल है, गाइडेंस मिल जाती है हमें प्रोफेशनल्स के थ्रू, जैसे हम गूगल के थ्रू पढ़ते हैं, कई बार यूट्यूब पे पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, वो हमें टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं हर एक चीज़ को, तो ईजिली ये सब अवेलेबल है। फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे, जैसे ई बुक्स हो गई हमारी, ठीक है, कवर ऑल द ज्योग्राफिकल एरियाज, ऐसा नहीं है सिर्फ इस एरिया तक इंटरनेट अवेलेबल है वहाँ पे, दूसरी तरफ नहीं है, ऐसा नहीं है, हर जगह अवेलेबल है। फुली डेडिकेटेड टू एजुकेशन, ठीक है। और उसके नुकसान भी क्या है? कॉस्टली है बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज है, इसके लिए ट्रेंड टीचर्स चाहिए जो हैं नहीं है, और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो वो भी अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे ये डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। नाउ कम्स द MOOCs। MOOCs प्लेटफॉर्म, एज यू वेरी वेल नो, किसने दिया था? डेव कॉर्मियर ने दिया था 2008 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मतलब 1 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं इनरोल कर सकते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है, हर एक के लिए अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। लर्निंग बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट यूज़ करके हम लर्न करते हैं। टीचर का क्या रोल है इसमें? टीचर कंटेंट क्रिएट करता है, कोर्स क्रिएट करता है, डिफाइन करता है उस कोर्स को, स्टार्ट करता है कोर्स को, बच्चे को लर्न करवाता है और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करवाता है। स्टूडेंट्स का क्या रोल है इसमें? बच्चा लर्न करेगा कंटेंट को, टीचर के साथ इंटरेक्ट करेगा, इनरोल करेगा कोर्स के लिए और सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसको, सिंपल। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं ली जाती, सिर्फ सर्टिफिकेट की फ़ीस होती है।
हर एक के लिए अवेलेबल है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कास्ट ग्रेड को लेके, ठीक है। स्टूडेंट्स ने जो असाइनमेंट बनाई है, कुछ वीडियोस हैं उनके पास, वो शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ भी, ठीक है जी। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यहाँ पे बच्चे इजीली ड्रॉप आउट कर जाते हैं, यहाँ पे कोई कई बार फीडबैक नहीं मिलता क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं तो टीचर किस किस को फीडबैक दे, ठीक है। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो ये भी क्या है, एक इशू है, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एज वी हैव कवर्ड टुडे यूनिट 3। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी यूनिट 3 भी, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपके लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस तरह से आपको वो अटैम्प्ट करने हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।